हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसका मतलब क्या परिभाषा होता है, वही हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या था संतृप्त हाइड्रोकार्बन? एक नंबर में तो हम इसका परिभाषा जानेंगे। वैसा हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके जिनके कार्बन परमाणु के बीच अकलबंध मौजूद रहता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जैसे एल्केन ग्रुप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच एकलबंध मौजूद रहता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे एल्केन ग्रुप, यह क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद सेकेंड नंबर में है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका परिभाषा हम जानेंगे। वैसा हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन
के कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध तथा त्रिकोण मौजूद रहता है। वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जैसे एल्कीन, एल्काइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा हमने लिख दिया है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या तथा त्रिकबंध मौजूद रहता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे जैसे एल्किन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, या इसमें जो है डबल बंधन पाया जाता है और इसमें त्रिकबंधन पाया जाता है, इसलिए यह जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में आता है, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो चलिए हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यह दोनों हमने जान लिए हैं, और उसके बाद जानेंगे एल्केन क्या होता है, यानी एल्केन क्या होता है, हम आगे जानेंगे एल्केन क्या होता है। यह एल्केन अब लिखेंगे एल्केन, वैसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध मौजूद रहता है, एल्केन कहलाता है। एल्केन का समान सूत्र CN H2N प्लस 2 होता है। का हम उदाहरण को जानेंगे, एग्जाम्पल जब n बराबर 2 रखेंगे तो तब यह हो जाएगा इथ, इथ प्लस ए एन ई, इसका जो है यह लास्ट वाला इसमें जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा
इथेन, यह हो जाएगा इथेन, और उसके बाद इथेन होने के बाद इसका सूत्र हो जाएगा C2H2 गुना 2, जो कि यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है +2, तो यह हो जाएगा C2H6, तो यह इसका सूत्र हो जाएगा तो देख सकते हैं जैसे यह हो गया इथेन। अब जो है इसका जैसे यह हो गया मोलेकुलर फॉर्मूला, और उसके बाद जैसे इसका SF लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो इसका हो जाएगा यह हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र या मॉलिक्यूलर मतलब आणविक सूत्र यह हो गया। तो आप एल्केन समझ गए होंगे। और उसके बाद अब हम दूसरा है, अब हम जानेंगे एल्कीन के बारे में। वैसा असंतृप्त वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध मौजूद रहता है। एल्कीन इसका सामान्य सूत्र CnH2n, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। तो इसका हम उदाहरण जानेंगे, यानी एग्जाम्पल। जैसे हम इसका एग्जाम्पल जानेंगे तो जब n बराबर 5 रखेंगे तब हो जाएगा पेंट +ENe, तो यह हो जाएगा पेंटीन। पेंटीन हो जाएगा, इसका सूत्र देखेंगे C5 यहाँ पे दिया हुआ है C5H2 = 5, C5H2 और इसके बाद फिर 5, तो इसका सूत्र हो जाएगा C5H10। तो यह हो गया इसका MF यानी मोलेकुलर फॉर्मूला, यह हो गया जिसको हिंदी में कहते हैं आणविक सूत्र। और इसके बाद इसका हो गया SF यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसको हिंदी में कहते हैं इसका संरचना सूत्र। तो इसका संरचना सूत्र हो जाएगा C
और यह डबल बॉन्ड यहाँ इसमें डबल, जैसे एल्केन में हम दिए थे सिंगल बॉन्ड, एल्केन में जैसे सिंगल बॉन्ड दिए थे तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड देंगे। तो आप कहीं भी दे सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं है जो आप यहीं पे दे, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो इसको हम हाइड्रोजन से जोड़ेंगे, तो यह इसका SF हो गया। तो अब आगे इसका हमने यहाँ बता दिया, अब इसका आगे हम बताएंगे एल्काइन के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। आगे हम बताएंगे एल्काइन दो नंबर में, इसका परिभाषा होता है वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें त्रिक बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहता है। एल्काइन कहलाता है। तो देख सकते हैं एल्काइन का परिभाषा, इसका समान सूत्र होता है। तो दे सकते हैं इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अब इसका हम एग्जांपल जब n बराबर 7 रखेंगे, यानी जब n बराबर 7 रखेंगे तब हो जाएगा यह में प्लस YN जोड़ देंगे दिया हो जाएगा हेप्टाइन हो जाएगा। तो यह हेप्टाइन हो जाएगा सूत्र से, या C7H2 7 N2। तो यह हो जाएगा C7H12 हो जाएगा। तो इसका यह हो गया इसका MF, और इसका SF देख लेते हैं, यानी SF स्ट्रक्चर फॉर्मूला और MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका SF हो जाएगा, इसमें त्रिक बंधन मौजूद रहता है, इसलिए त्रिक बंधन देंगे 3 बंधन, और उसके बाद फिर सी कार्बन से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 7 कार्बन लेना है, 7 कार्बन ले लिया हम साथ में, एक इसमें जोड़ जाएगा इसमें। Thank you.
तो इसमें रोज ने एक दो तीन चार इसमें हाइड्रोजन देख लीजिए आप, पाँच पाँच दस दो बारह, तो बारह हाइड्रोजन। तो इसी तरह से इसका होते होता है, इसी तरह से आप यहाँ पे बदलते हैं। तो इसका यह सात गो से होता है, जैसे आज हम बताए असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो जो इसका पार्ट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। धन्यवाद।